कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही ठंडे मशरूबात की फरोख्त में इजाफा हो जाता है। शहरी गर्मी से बचने के लिए कैसे कैसे जतन कर रहे हैं कराची वाले, सर्दी भले ही बर्दाश्त करें अगर गर्मी को सहना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज हम मौजूद है करीमाबाद के इलाके में, जहाँ ये मुनफरिद पालसे का शरबत मिलता है। पिछले 30 सालों से ये चाचा पालसे का शरबत प्रोफ कर रहे हैं। चाचा के हाथ का बना खालिस ये पालसे का शरबत इतना बेहतरीन और आला होता है, जिसे पीकर गर्मी आपसे 4 गुना दूर भाग जाती है। इस शरबत को पीने के बाद आप भी मेरी तरह कहेंगे, बहुत आला, बहुत आला। एक बड़ी हांडी में ढेर सारा बर्फ डाला जाता है। अलसो के साथ रूह अफजे का पानी और काला नमक जूसर में डालकर ग्रंड किया जाता है। ग्रंड होने के बाद शरबत को चनी से छान कर हांडी में डाल दिया जाता है। इसके बाद शरबत को एक बड़े ग्लास में डालकर आपके हाथ में थमा दिया जाता है। इस शरबत का जायका बहुत ही आला होता है। अगर आप भी पालसे के शरबत के शौकीन हैं, तो आप जरूर यहाँ का चक्कर लगाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं यहाँ पालसे के शरबत पीने आया हूँ, क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी और इसके अलावा फूड ब्लॉगिंग हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आजकल, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं आ जाऊँ और इस जो पालसे का शरबत है इसको भी मैं रिकॉर्ड कर दूँ। इसका गिलास इस वक्त मेरे हाथ में और ये चाचा है मेरे साथ, जो काफ़ी अर्से से यहाँ पर काम कर रहे हैं। कितने साल हो गए चाचा आपको? कम से कम 20-25 साल हो गए। 20-25 साल से ये चाचा यहाँ पर काम कर, इसी इलाके में, यहीं पर। पहले मैंने रणछोड़न में करता था काम। अच्छा, भीमपुरे में करा। इसमें क्या क्या डलता है चाचा? सिर्फ पालसा है और बस पानी है, बस। जबरदस्त, तो इसको मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ कि ये किस तरह का जायका है इसका। तो बिस्मिल्लाह करते हैं इसमें। बहुत आला, बहुत आला, आउट क्लास। इसमें पालसा डला हुआ है मेरे ख्याल में, नमक भी है ना चाचा? काला नमक भी इसमें डला हुआ है। और पालसे का शरबत तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है, काफ़ी सबको पीना चाहिए। भैया आउट क्लास, आउट क्लास। मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर ज़रूर आए। और ये जो अल मुस्तफ़ा के नाम से ये पालसे का शरबत है चाचा, एड्रेस बता दो बस। एड्रेस करीमाबाद। अच्छा, रिटर दिया एरिया। सही, शौकिया पान शॉप के सामने, उसके सामने अल मुर्तज़ा के बराबर। ठीक है, बस आप ज़रूर यहाँ पर चक्कर लगाएं और पालसे का शरबत आप ज़रूर पिए यहाँ पर। बहुत आला, बहुत आला यार।